वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा जी, अज अपन नया सैंपल पेपर 3 करन जा रहे हाँ। वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। जेकर मेरी वीडियोज़ ना तुहानू हैल्प मिलती है तैयारी विच तो बेटा कमेंट जरूर करना। चलो बेटा आप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एक नवा पुल बनाया गया तो एक बस द्वारा एक शहर तो दूसरे शहर की यात्रा करने औसत समा 50 मिनट तो घट के 40 मिनट हो जाता है। दो शहर दे विच यात्रा करन लई ले गए समय विच किन्ने प्रतिशत की कमी हुई है? ठीक है। वैन ए न्यू ब्रिज इज बिल्ट द एवरेज टाइम टेकन बाय बस टू ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 मिनट्स टू 40 मिनट्स। वट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम टेकन टू ट्रैवल बिटवीन टू सिटीज़। ठीक है बेटा। डिक्रीज ऑफ टैंपरेचर अपन ने टाइम आ बेटा वो फाइंड आउट करना है भी कि टाइम टेकन डिक्रीज होया। देखो पहला कि 50 मिनट, बाद कि हो गया 40। डिक्रीज घटिया कि बेटा अपने को 50 माइनस 40, 10 मिनट डिक्रीज हो गया। ठीक है। हूँ यदि परसेंटेज करनी है डिक्रीज की, जिन्ना डिक्रीज होया बटा टोटल शुरू वाला कि 50 इंटू 100। ठीक है बेटा, ये कैंसल आउट हो गया। 5 2 10, 2 10 मल्टीप्लाई किया कि आ गया अपने को 20%। ठीक है बेटा, कि आंसर आ गया अपने को सैकेंड ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा, एक लड़की ने एक चक्कर के अद्धे हिस्से के एक तिहाई भाग में रंग किया। हेर लिखे बच्चों के उस चक्कर दिखाता है जिसनों उसने रंग किया। ए गर्ल शेडर 1/3 ऑफ हाफ ऑफ ए सर्कल। देखो बेटा, एक सर्कल आ टोटल किन्ने हिस्से ने दे 6। ठीक है। हाफ किन्ना बन गया देखो अपने कोल, हाफ ऑफ ए सर्कल, हाफ च 3 हिस्से ने, इहदा किन्ना करना आपां 1/3। तिन्नां विचों एक दे विच आपां रंग फिल करना। देखो तुहानूं क्लीयर हो गया होना किहड़ी ऑप्शन बन गई बेटा जी अपने कोल, फस्ट। ठीक है। नैक्सट देखो, एक लड़की ने कमीज लई 1 x 1.2 मीटर कपड़ा अते कुर्ते लिए 2 x 1.3 कपड़ा खरीदया। उसने कुल किन्ना कपड़ा खरीदया? ठीक है। गर्ल बॉट 1 x 1.2 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट एंड 2 x 1.3 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ कुर्ता। हाउ मच टोटल क्लॉथ बेटा अपन ने फाइंड आउट करना है। देखो कमीज लिए किन्ना सीगा 1 x 1.2, ये मिक्सड फ्रैक्शन है बेटा, सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लो। 2 x 1 ना किता 2, 2 + 1 किन्ना बन गया अपने को 3/2। ठीक है। ये सी कमीज लई, कुर्ते लई किन्ना बनया 3 x 2 ना मल्टीप्लाई किया 6 6 + 1 7, 7/3 बेटा कुर्ते लई आ। तो देखो टोटल किन्ना बन गया अपने को, बटरफ्लाई मैथड हेठ की मल्टीप्लाईकेशन, 6 3 x 3 ना किता 9, 7 x 2 ना किता 14, किन्ना बन गया अपने को 23/6। ठीक है बेटा, यदि मिक्सड फ्रैक्शन किन्नी बन गई 3 x 5/6 मीटर। क्लीयर हो गया बेटा, केड़ी ऑप्शन आ गई अपनी बेटा जी, सैकेंड। ठीक है। नैक्सट देखो, हेर लिखिया विचों समय विचों केड़ा समा एक दिन दे बराबर होवेगा। विच ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम गिवन बिलो विल बी सेम एज दैट ऑफ 1 डे। एदा आंसर है बेटा जी सैकेंड, 24 x 60 मिनट्स। ठीक है बेटा। नैक्सट देखो, लुक एट द नंबर लाइन। ठीक है, अपन दसा भी की वैल्यू ज़्यादा आ। देखो बेटा इतने क्यू की अपने कोल पॉजिटिव संख्या, पी की अपने कोल नैगटिव। देखो बेटा, जो पॉजिटिव दे विच नैगटिव माइनस कर दे नंबर तो नंबर की हो जाता इनक्रीज हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस की हो जाते हैं प्लस। जे वो पॉजिटिव दे विचों नैगटिव नंबर माइनस करा मतलब कि ऐड कर दे आपां तो प्लस माइनस माइनस तो उसकी वैल्यू घट जाती है। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन च भी नैगटिव का साइन आऊगा तो डिवीजन च भी नैगटिव का साइन आ जाऊगा। ये भी छोटी होगी बेटा, ये भी छोटी होएगी। सब तो ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू केड़ी होएगी? क्यू माइनस पी। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो, एक कार अद्धे घंटे 30 किलोमीटर सफ़र तय करती है। कार की चाल स्पीड ऑफ कार अपने फाइंड आउट करना। स्पीड चाल की फार्मूला हों अपने को, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किन्ने बेटा अपने को 30 किलोमीटर,
टाइम कितना अपने को आधा घंटा 1/2 और ठीक है 30 किलोमीटर सीगा ए उल्टू बटा कितना बन गया 30 × 2 मतलब 60 किलोमीटर पर आवर ठीक है। कि ऑप्शन आ गया बेटा जी अपने को सेकंड ठीक है। नेक्स्ट देखो संख्या 49 फिर स्टार पे है बेटा 2207 नू जिद स्टार आ वो दसना इतने अंक केड़ा होएगा तो पूरी जी बनी हुई संख्या 9 नाल की होवे भाग योग ठीक है पूरा नंबर आ नाइन नाल की होना चाहिए बेटा जी डिविजिबल ठीक है बेटा। 9 नाल डिविजिबल टेस्ट किवें करदे आ आपां अंकां दा जोड़ करके देखो बेटा पहला सम ऑफ डिजिट्स अंकों का जोड़ ऐड करो 4+9 जिते स्टार है बेटा मैं उत्थे एक्स पा लिया ठीक है 2+2+0+7 इनू ऐड करके बेटा कितना बन गया 24+x हूँ 24+x बेटा 9 दे टेबल ते होना चाहिए तो एक्स की वैल्यू तुसी कितनी फिल करोगे 3 ठीक है क्योंकि 24+3 कितने बन गया अपने को 27 किदे टेबल ते होंदा 9 ते तो अपनी ऑप्शन केड़ी आ गई बेटा जी 4th ठीक है। नैक्सट देखो बेटा घन का आयतन अपन देता इसकी भुजा की लंबाई की होगी वॉल्यूम हैगा बेटा अपने को वॉल्यूम ऑफ क्यूब कि 729 मीटर क्यूब ठीक है। भुजा की लंबाई करनी है बेटा अपने साइड करनी है वॉल्यूम का फार्मूला की होंगे अपने को साइड का क्यूब ठीक है इज इक्वल टू 729 किस नंबर नू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 729 आएगा 9 ठीक है 9 का क्यूब हूँ देखो पावर्स इक्वल नहीं तो बेस की होगी इक्वल इट इंप्लाई बेटा ए दी वैल्यू कितनी आ गई अपने को 9 ठीक है बेटा अपना आंसर कितना आ गया बेटा जी 4th ऑप्शन। नैक्सट देखो बेटा एक दुकान ते एक कापी का किताब का मुल कापी के मुल नालों 50 रुपये ज़्यादा है जेकर दो किताबों के मुल का 3 कापियां की कीमत नाल अनुपात 5:6 है तो किताब की कीमत किन्नी है ठीक है। देखो कॉस्ट ऑफ ए बुक इज़ ₹50 मोर दैन द कॉस्ट ऑफ ए कॉपी आप बेटा कॉपी की कॉस्ट मान लें कि मान लाँगे ₹100 तो बेटा बुक की किन्नी आऊगी अपने को किताब की किन्नी आऊगी वह तो 50 रुपये ज़्यादा आ एक्स प्लस 50 बन जाएगी ठीक है। उस तो बाद देखो रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ टू बुक्स एक बुक की किन्नी बेटा एक्स प्लस 50 दो बुक्स की किन्नी होगी 2 × x+50 ठीक है। टू द कॉस्ट ऑफ 3 कॉपीज एक कॉपी ₹100 की है 3 किन्नी बन गई 3x किन्नी रेशो बन गई अपने को बेटा हैगी 5/6 अपने बुक की जी कॉस्ट ऑफ फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा अपने को बन गया x+50 / x ठीक है 3 बेटा मैं 3 ते 2 राइट साइड ते लेगी 5/6 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बटियां चला जाएगा ये कैंसल आउट हो गया ठीक है 3×2 = 6। नेक्स्ट देखो बेटा ये बन गया अपने को x+50 / x इज इक्वल टू 5/4 इन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा 5 नू एक्स ना किता 5x 4 नू एक्स ना किता 4x 4 नू 50 ना किता कितना बन गया अपने को 200 ठीक है। ए बन गया 5x - 4x इज इक्वल टू 200 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 200 पर आप किदी कीमत करनी है बेटा बुक की मतलब 200 दे विच आपां 50 की करांगे प्लस क्योंकि 50 रुपये ज़्यादा आती तो किन्नी बन गई बेटा जी अपने को 250 ठीक है। किताब का मुल कितना आ गया बेटा जी अपने को 250 देखो ऑप्शन दे विच 3rd 1। नैक्सट देखो बेटा जेकर किसी राशि दे व्याज सालाना लगता होवे तो 1 साल का मिश्रित व्याज होगा इफ द इंट्रस्ट ऑफ ऑन एनी अमाउंट इज कैलकुलेटर एनुअली दैन द कंपाउंड इंट्रस्ट इज साधारण व्याज तो ज़्यादा साधारण व्याज तो वड्डा साधारण व्याज के बराबर
ठीक है बेटा, अपन एक साल का करना आ। तो बेटा देखो, मोस्टली जो कंपाउंड इंट्रस्ट होंगे वह ग्रेटर होंगे आ सिंपल इंट्रस्ट नालों। ठीक है, अपना होगा बेटा ग्रेटर दैन सिंपल इंट्रस्ट। क्लीयर हो गया बेटा। नैक्सट देखो, जे पांच पाइपा एक घंटे एक टैंकी भर सकती हैं तो चार अजिहिया पाइपा टैंक नू किन्ने समय विच भरनगियां। ठीक है, देखो देखो बेटा, अपने को लिखे बेटा नंबर ऑफ पाइप्स ने, और आप एन लिख दें। एक है अपने को टाइम। ठीक है, जो अपने को फाइव पाइप्स ने तो किन्ने घंटे भर दिया ने, एक घंटे के जे चार पाइप्स लीए बेटा अपना तो आप दसना कि टाइम लगेगा। एक्स अपा ने कैलकुलेट करना आ। देखो बेटा, ये हावर के घंटिया टाइम आ। हूँ देखो, जो गिनती पाँच सीगी तो किन्ने घंटे लगे, एक घंटा। हूँ जो पाइप घटाती हैं तो समा वध ही लगेगा, पाइप घट गई समा वधूगा, तो किहड़ा प्रपोर्शन हो गया बेटा जी? ये इनवर्स। ठीक है, उल्ट अनुपाती। तो इन आप किवें सोल्व करते हैं बेटा? फाइव इंटू वन इज इक्वल टू फोर इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को? फाइव बाय फोर हावर्स। ठीक है, मिनटां च कन्वर्ट कर लो क्योंकि आंसर मिनटां च आ। फाइव बाय फोर इंटू सिक्सटी। ठीक है बेटा, हम देखो ये कट गया, कि आ गया अपने को? फिफ्टीन। फिफ्टीन फाइव ना किया कि आ गया? सैवनटी फाइव मिनट्स। क्लीयर हो गया बेटा, अपना आंसर आ गया पचहत्तर मिनट। देखो ऑप्शन दे विच, फर्स्ट ऑप्शन अगे का दो किलोमीटर सत्त मीटर बराबर है। देखो बेटा, टू किलोमीटर सैवन मीटर प्लस सैवन मीटर दे किलोमीटर बनाने ने, पहला इनू थाउजेंड से डिवाइड कर लो, की बन गए दे किलोमीटर, मतलब टू किलोमीटर प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो सैवन किलोमीटर, जिस ऐड करो कि बन गया टू पॉइंट जीरो जीरो सैवन किलोमीटर। देखो ऑप्शन कि आ गया अपने को? थर्ड वन। नैक्सट देखो बेटा, जेकर एक समानता चतुर्भुज के लागवें कोण दो अनुपात तीन दिन अनुपात विच हैं तो कोण का माप है? इफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरलोग्राम। देखो बेटा, जिम्मे मेरे को पैरलोग्राम है, ये ए बी सी डी एडजेसेंट लागवें एंगल किन्ने ने अपने को? टू रेशो थ्री। एक ने आप टू एक्स मान लें, सैकंड चलो आप थ्री एक्स मान लें, ना लगवें लेने बेटा, ए तो बी भी ले सकते हो, तो एंगल का माप करना। ये लागवें कौन किड़े कौन होंगे ने बेटा? अंदरले कौन, इंटीरियर एंगल्स। तो इन्हों का जोड़ कि बराबर होगा अपने को? वन एटी दे। ठीक है बेटा, फाइव एक्स कि बराबर आ गया अपने को? वन एटी। ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू कि आ गई अपने को? वन एटी डिवाइड बाय फाइव। इनू फाइव से डिवाइड करके कि आ गया अपने को? थर्टी सिक्स। तो देखो बेटा, एंगल ए कि बन गया मेरे को? मैंने कि मैंने टू एक्स, टू इंटू थर्टी सिक्स कि बन गया अपने को? सैवनटी टू। ठीक है, तो एंगल डी कि थ्री एक्स, थ्री इंटू थर्टी सिक्स कि बन गया? वन हंड्रड एट। एक सैवनटी टू आ गया बेटा, दूसरा अपने को वन हंड्रड एट। ऑप्शन कि आ गई बेटा जी? फर्स्ट ऑप्शन। क्लीयर हो गया। नैक्सट देखो बेटा, जेकर एक समानता चतुर्भुज के लागवें कोण बराबर हैं तो समानता चतुर्भुज होंगे है। आप वैल्यूज कट के देख लेने बेटा, जिमें समानता चतुर्भुज आ पैरलोग्राम आ ए बी सी डी, लागवें कोण बराबर ने, जिमें हमने करके हटे आप इन भी एक्स मान लें, इन भी एक्स मान लें। आप हमने देखे बेटा लागवें कोण जोड़ कि होंगे अपने को? वन एटी। यदा मतलब टू एक्स कि बन गया? वन एटी। एक्स की वैल्यू कि आ गई बेटा जी? वन एटी डिवाइड बाय टू। एक्स कि आ गया अपने को? नाइनटी। हूँ जो सारे एंगल बेटा नाइनटी नाइनटी के बन गए तो की बन गई? ये रैक्टेंगल आयत। देखो कि ऑप्शन बन गई बेटा जी? ये फर्स्ट। नैक्सट है एक बहुफलक विच, एफ हैगा बेटा अपने को पांच, ई हैगा अठ, वी आपने कैलकुलेट करना। तुम्हें सौखा तरीका दसिया सी बेटा, फाइव तो याद कर लो। एफ फलक एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस दो। एफ फेस फलक किन्ने ने अपने को? पांच। वर्टिसिज आप कैलकुलेट करने बेटा, एज किन्ने ने अपने को? एट प्लस टू। ये बन गए फाइव प्लस वी एट प्लस टू टेन,
तो वी की वैल्यू किन्नी आ गई 10, 5 इधर आके माइनस हो गए बेटा, वर्टिसिस किन्ने आ गए अपने कोल 5। अपना आंसर आ गया बेटा जी सैकेंड ऑप्शन। ठीक है, नैक्सट देखो बेटा, एक पेंसिल की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, अर्ध व्यास किन्ना 4 मिलीमीटर है, पेंसिल के व्यास का इसकी लंबाई नाल अनुपात अपने फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, लेंथ ऑफ पेंसिल किन्नी है 16 सेंटीमीटर, रेडियस किन्ना बेटा 4 मिलीमीटर, अपने रेशियो ऑफ डायमीटर टू इट्स लेंथ फाइंड आउट करनी है। डायमीटर मीनस व्यास की लेंथ नाल रेशो। देखो बेटा, रेडियस किन्ना अपने कोल 4 मिलीमीटर, तो डायमीटर किन्ना बनूगा 4 × 2 = 8 मिलीमीटर। ठीक है, डायमीटर आ गया बेटा जी 8 मिलीमीटर, लेंथ किन्ने अपने को 16 सेंटीमीटर। बेटा दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए है, जे सेंटीमीटर मीटर से कन्वर्ट कर लो, जे मीटर सेंटीमीटर जो वड्डे तो छोटे वाल जानी है। बेटा मैं सेंटीमीटर ही मिलीमीटर कन्वर्ट करती हाँ 16 × 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बेटा 10 मिलीमीटर होंगे ने। ठीक है, ये कैंसल आउट हो गए, 8 × 16 कितना बन गया अपने कोल 1/20 मीनस 1:20। क्लीयर हो गया बेटा, देखो ऑप्शन केड़ा आंसर आ गया अपने कोल 4th one। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो, नैक्सट क्वेश्चन बेटा आप नैक्सट वीडियो करांगे।